नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर्टिकल ऑफ यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक यूपीआई ऐप है। अब दोस्तों यहां पे एक बहुत ही ज़बरदस्त लूट ऑफर आया है, जो कि भाई नवरात्रि के लिए ऑफर है और यहाँ पर आप सभी लोगों को 9 दिन तक डेली कैशबैक मिलने वाला है। यानी भाई लूट बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ऑल यूजर के लिए होगा। साथ में एक ट्रिक भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, तो यार वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक का वॉच कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में 50 रुपीज़ का फ्री पेटीएम कैश का गिवअवे किसी भी 5 यूजर्स को डायनेको एपिक कार्ड से मिल जाएगा। 10+10 रुपीज का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ में अपना पेटीएम नंबर डाल दीजिएगा। जैसे आप गिव के विनर बनते हैं आपको बिल्कुल फ्री में पेटीएम कैश मिल जाएगा। सो गाइस फटाफट आप सभी लोग गिव में भी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अब तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आप सभी लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फिर टेलीग्राम में जाकर कैटिंग लॉकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लूट ऑफर्स, प्रोमो कोड, सर्टिंग एप्लीकेशन, फ्री शॉपिंग लूट, रिचार्ज लूट या फिर मेरी तरफ जो पेटीएम कैश का लिफाफा आता है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। सो गाइस फटाफट आप सभी लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को जिस लूट अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, लिंक आप सभी लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सो गाइस जैसे लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाओगे। इस एप्लीकेशन का नाम है बजाज फिनसर्व। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपने फोन में गाइस इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा आपको ओपन करना, कैसे साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना, तो भाई वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करना। और एक ट्रिक भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले जिस मोबाइल नंबर से साइन अप करना वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। चलिए दोस्तों मैं फटाफट एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे देना है गाइस आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करोगे तो कम से कम 3 से 4 बार यहाँ पे आपको परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, देन गाइस आपके सामने आएगा कुछ ऐसा इंटरफेस। अभी गाइस आप सभी लोगों का साइन अप प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन गाइस अभी आप सभी लोगों का जो बजाज फिनसर्व का वॉलेट है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो भाई एक्टिवेट करने के लिए मैं आप सभी लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका रियल वाला डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आप लोग बस ट्रिक के माध्यम से अपने वॉलेट को एक्टिवेट कर पाओगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको यूपीआई के ऊपर क्लिक करना। सबसे पहले आपको अपना जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा सिम में आपका बैंक अकाउंट है। तो मेरा सेकंड वाला सिम में पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो उसको मैं यहाँ पे लिंक करने वाला हूँ। तो मैं जस्ट प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे बता रहा है कि भाई वाईफाई को बंद करना और मोबाइल डाटा का यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट वाईफाई बंद कर देता हूँ एंड गाइस मोबाइल डाटा का यूज करके मैं ओके कर देता हूँ एंड वापस यहाँ पे प्रोसीड पे टैप कर लेता हूँ। तो गाइस आप सभी लोगों को ये पूरा प्रोसेस अपने मोबाइल के डाटा से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना। अभी देखो यहाँ पे एक मैसेज सेंड हो चुका है मेरे जो सिम मैंने सेलेक्ट किया था उस सिम से। अभी देख लो मैसेज सेंड होने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई आपके इस नंबर पर कौन सा बैंक अकाउंट है। तो चलिए दोस्तों मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, तो यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक और लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देखो आपको जस्ट प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइस वेट करना है, देन यहाँ पे आप सभी लोगों का बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे शो करेगा। तो बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि आपका यही बैंक अकाउंट है। तो आपको बस सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे यूपीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आपका एक यूपीआई आईडी भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जैसे कि ऊपर आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक करने के बाद अभी आप सभी लोगों को कैशबैक कैसे लूटना है तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सेंड मनी करना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ का भी सेंड मनी करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको कैशबैक मिलने वाला है। एक बार मैं इस मैसेज को यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो मैसेज आया ना इसी में भाई ऑफर छुपा हुआ, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको कोई सा भी एक यूपीआई डाल देना और सिंपल सा आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप लोग 100 रुपये का भी सेंड मनी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 1000 रुपीज़ का सेंड मनी कर लेता हूँ। एंड दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना, अमाउंट को डालने के बाद आपको पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे भाई ICICI बैंक वाला जो यूपीआई था ना, इसी तरीके से आपको ये वाला यूपीआई ऑफर मिल जाता है, यानी कि यूपीआई सेंड मनी का ऑफर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं अमाउंट यहाँ पे सेंड कर दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे सेंड करने के बाद देखो आपका यूपीआई पिन तो वही होगा जो आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, तो वही यूपीआई पिन डाल करके आपको सेंड मनी करना है। अभी गाइस मैंने यहाँ पे सेंड मनी कर लिया। अब गाइस ऊपर की तरफ से यहाँ पे मुझे मैसेज आएगा कि भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिल चुका है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको शायद 2 स्क्रैच कार्ड मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो भाई मैसेज आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे देख लो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग मतलब जो आपका
अपना स्क्रैच कार्ड है कैसे आपको मिलेगा मैं आपको दिखाया। तो या तो डायरेक्टली आप लोग मैसेज पे क्लिक करना या फिर यहाँ से आपको सिंपल सा बैक जाना है। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं यहाँ से सिंपल सा बैक चला जाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने यूपीआई साइड मनी किया था, यहाँ से आपको बैक जाना होम वाले पेज पे। नीचे आपको रिवॉर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे ऊपर वाले में आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये अनलॉक का यहाँ पे ऑफर बताएगा कि आपके पास अभी कौन सा ऑफर अवेलेबल है। तो एक ऐड मनी का ऑफर है न्यू यूजर के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रैच कार्ड पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक स्क्रैच कार्ड यहाँ पे मुझे मिल चुका है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ नहीं रहा चलेगा जिसको मैं यहाँ पे स्क्रैच करके दिखाया। तो देखो मिनिमम ₹1 से लेकर के मैक्सिमम ₹100 तक यहाँ पे आपको मिलता है कैशबैक। अब दोस्तों सबसे पहले बता रहा है स्क्रैच कार्ड का पैसा तभी मिलेगा ना जब आप लोग वॉलेट को एक्टिवेट करोगे। तो आपको क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटअप वॉलेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे सेटअप वॉलेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो बता रहे कि आपको यहाँ पे KYC करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका रियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लगेगा, आप लोग आराम से KYC कर पाओगे। तो यहाँ पे पैन कार्ड, पासवर्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन आप सभी लोगों को अपने पैन कार्ड से ही यहाँ पे KYC करना है। तो देखो यहाँ पे आपको बेसिकली फेक पैन कार्ड नंबर का यहाँ पे यूज करना है। तो डेट ऑफ बर्थ में आप लोग कुछ भी डाल दो, लेकिन जो पैन कार्ड नंबर है ना उसके अंदर जो बता रहा हूँ आपको वही डालना है। सबको यहाँ पे डालना है DGFPA। तो स्टार्टिंग का 5 डिजिट सेम होगा, उसके बाद 4 डिजिट आपको रैंडमली नंबर एंटर करना है, और लास्ट में जी भाई सभी के लिए सेम है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, देन यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद सेटअप वॉलेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा वेरीफिकेशन में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ से बताएगा कि आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, लेकिन ऊपर की तरफ से इंस्टेंट यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई मैसेज रिसीव हो चुका है कि आपका बजाज फिनसर्व का वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुल। अब दोस्तों यहाँ से आपको सिंपल सा बैक जाना है स्क्रैच कार्ड वाले पेज पे। अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रैच करोगे तो आपको यहाँ पे तुरंत जो कैशबैक है ना आपके बजाज फिनसर्व वॉलेट में यहाँ पे मिल जाएगा और आपका स्क्रैच कार्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेंड मनी किया था, आप सभी लोग को ₹1 से लेकर के ₹100 का कैशबैक मिलेगा। मुझे यहाँ पे ₹1 का कैशबैक मिला है। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बता दूँ वॉलेट सेटअप किया है तो यहाँ पे आपको एक और स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उसको भी आप लोग स्क्रैच कर लेना। तो इसमें भी भाई मेरी किस्मत इतना खराब है कि देख लो उसमें भी यहाँ पे ₹1 ही मिला है। आप लोगों को यहाँ पे अप टू ₹100 तक कुछ भी अमाउंट यहाँ पे आपको मिल सकता है रैंडमली, हो सकता है ₹1 मिले या ₹5, ₹10, ₹50 जो भी मिले आप सभी लोगों के वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे ₹100 का ऐड मनी करोगे तो अप टू ₹100 का यहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा। फ्लैट नहीं है, अप टू ₹100 का कैशबैक मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ₹10, ₹15, ₹20, ₹50 भी यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को ऐड करके दिखाया, तो आपको जस्ट वॉलेट वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे आपको बस ₹100 का ऐड मनी करना है। देखो गाइस जो आप लोग ऐड मनी कर रहे हो उसको आप लोग वापस से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इस कैशबैक का यूज आप लोग मतलब मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, DTH रिचार्ज, इस तरह के आप लोग यहाँ पे रिचार्ज वगैरह में कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ बजाज का, जो मैंने भी बनाया था UPI। उसके बाद मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ। UPI पिन डालने के बाद जस्ट यहाँ पे मैं ऐड मनी कर लेता हूँ। बस मैं आपको ऑफर बता रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यू यूजर के लिए। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि का भी ऑफर बताऊंगा और मैं आप सभी लोगों को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। अभी देख लोगे जहाँ पे लोड मनी कंप्लीट हो रहा है, इनकी ऐड मनी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऐड मनी हमारा कंप्लीट हो चुका है ₹100 का। तो ये जो ₹100 है मेरे बजाज फिनसर्व के वॉलेट में यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा गाइस बैक जाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो ₹100 यहाँ पे ऐड हो चुका है, और जो रिवॉर्ड मिलता है वो आपके रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पे ऐड होता है। आपको जस्ट रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड फिर से यहाँ पे मुझे मिल चुका है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला ऑफर तो है, तो इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों स्क्रैच कैसे करना है, वापस आपको स्क्रैच कार्ड में जाना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रैच करोगे तो घूम कर यहाँ पे देख सकते हो ₹15 मिले आप सभी लोगों को, अप टू ₹100 तक यहाँ पे मिलेगा। और भाई फर्स्ट टाइम आप लोग ऐड मनी करते हो तो आपको मैक्सिमम अमाउंट का कैशबैक मिलता है। चलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि ऑफर के बारे में बता देता हूँ। भाई यहाँ पे ऑफर कल से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 9 दिन तक ये ऑफर चलने वाला, और 9 के 9 दिन आप सभी लोगों को यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। तो डेली आप सभी लोगों को यहाँ पे ₹1000 का सेंड मनी करना है किसी भी UPI ID पे। तो भाई किसी को डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट UPI से ही सेंड मनी करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मुझे बता रहा है कि आपको यहाँ पे अपने दूसरे अकाउंट को यानी दूसरा UPI ID यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ से सेंड मनी करोगे तो आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। अब दोस्तों अगर आपको इसमें एक अलग से UPI ID ऐड करना है यानी दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना, तो कैसे ऐड करोगे, तो आपको होम वाले पेज पे जाना है, UPI पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ऊपर सेटिंग का एक ऑप्शन है, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू UPI ID, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप लोग अपना दूसरा UPI ID क्रिएट कर लो। लेकिन गाइस अगर आपको डायरेक्टली सेंड मनी करने का ऑफर मिलता है नवरात्रि ऑफर में, तो आप लोग जो फर्स्ट अकाउंट ऐड किया हो तो वहीं से आप लोग UPI सेंड मनी करोगे डेली ₹1000 का। तो डेली आप से लोग को स्क्रैच कार्ड मिलेगा और अप टू ₹100 डेली यहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा भाई 9 दिन तक। तो मैं फटाफट गाइस अपना दूसरा UPI ID यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इनकेस आप सभी लोगों को दूसरा UPI ID करके और सेंड मनी करने के लिए बोलते हैं तो आप लोग एक और बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेना। ओके गाइस, तो चलिए
मैं फटाफट यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा UPI यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे UPI खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको कंपनी एक ही UPI देता है। तो आपको यहाँ पे खुद से UPI डाल के यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा UPI यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं एक बार कुछ भी डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। देखो चेक एबिलिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बताएगा UPI अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको यस कर देना, यानी कि आपको प्रोसीड कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पे प्रोसीड करोगे देन गाइस आपका UPI यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को वापस से सेंड मनी करके दिखाया, तो आप लोग इसको यहाँ पे डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हो जब आपका यहाँ पे काम हो जाए। तो आप लोग जो दूसरा अकाउंट ऐड किया उसको यहाँ पे आप लोग आराम से रिमूव कर सकते हो। देखो नीचे भी आपको रिमूव करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग UPI भी डिलीट कर पाओगे और अकाउंट को भी यहाँ से रिमूव कर पाओगे। ओके गाइस, और दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आपको सेंड मनी के लिए वापस से UPI पे टैप करना और सेंड मनी भाई उसी तरीके से करना। मैं फटाफट अपना एक UPI यहाँ पे डाल देता हूँ एंड नीचे प्रोसीड पे टैप कर लेता हूँ। एंड दोस्तों दूसरे UPI से सेंड मनी करने के लिए कैसे करना है मैं आपको बताया। तो देखो अमाउंट में आपको 1000 रुपीज़ ही डालना है, उसके बाद क्या करना है इसको ऊपर आपको क्लिक करना और दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो UPI पिन था पहले वाला पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला उस UPI पिन को यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों डालने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई अकाउंट से जो पैसा यहाँ पे कट चुका है। और भाई देख लेते हैं स्क्रैच कार्ड मिला या फिर नहीं मिला, तो हम लोग गाइस यहाँ से बैक जाते हैं और रिवॉर्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये है भाई नवरात्रि ऑफर, डेली आप सभी लोगों को एक एक स्क्रैच कार्ड करके मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो भाई मैसेज भी आ चुका है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक स्क्रैच कार्ड मिल चुका है, तो आपको वापस से इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रैच करोगे तो आप 200 रुपीज़ तक यहाँ पे कैशबैक मिलेगा, लेकिन देख सकते हो फिर से यहाँ पे मुझे 1 रुपीज़ ही मिला है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भाई 100 रुपीज़ का कैशबैक मिला है, इसलिए आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आपको जो भी स्क्रैच कार्ड मिलता है जितना भी पैसा मिलता है मेरे को भाई प्रूफ भेज देना आप लोग टेलीग्राम पे। एंड गाइस जो आपका कैशबैक वाला पैसा है उसका यूज़ करके आप लोग यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे DTH रिचार्ज कर सकते हो, LPG गैस वगैरह में यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। बाकी देखो यार मोबाइल रिचार्ज में आप लोग आराम से इस कैशबैक का यूज़ कर पाओगे। तो भाई लूट बहुत ही ज़बरदस्त है, बस आपको सेंड मनी करने पे कैशबैक मिल रहा है। अगर आपको एड मनी नहीं करना तो भाई मत करना, बस 9 के 9 दिन आप लोग यहाँ पे नवरात्रि में डेली सेंड मनी करना, 1000 रुपीज़ का डेली आपको कैशबैक मिलेगा। भाई लूट बहुत ही ज़बरदस्त है, साइनअप करो एंड गाइस इसको लूटो। भाई ट्रिक मैंने आपको बता दिया कैसे आपको KYC करना है, अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करना है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना, गाइस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।